मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट से, और आज थर्सडे है और ब्रेकफास्ट में मैं ये बन बना रही हूँ। और ये स्वीट बन है, इनके अंदर चेरी लगी रहती है, खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप इन्हें सॉल्ट और बटर लगा कर खाइए, काफ़ी टेस्टी लगेंगे। फिलहाल तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना रही हूँ, पूरी सर्दी आप यही सुनने वाले हो। मैं लाई थी चाय कप में और फिर मैं कर रही हूँ उसे ग्लास में, क्योंकि मैं ग्लास में पीना चाहती हूँ जिससे कि चाय ज़्यादा देर तक गर्म रहे और मज़ा आए पीने में। ऐसे पकड़ के देना वाले बीच ईशान का तो टम्बलर है। अब ये धीरे धीरे जेल वाले टम्बलर बनता जा रहा है। जेल का टम्बलर कक्कल जा रहे थे पीछे की तरफ आ गया, और पता है वो धीरे धीरे निकल गए यार, थोड़ी सी निकलती है फिर बंद हो जाती है। अब फिर पता दो दिन से फिर परेशान करने लगी है। तुम्हारे अभी तक अकल नहीं आई थी? जरूरी नहीं अक्कल दार निकले तभी अकल आए लोगों के अंदर। आज है थर्सडे और कशिश भी आज मेरे साथ है, क्योंकि कशिश की है आज छुट्टी, क्योंकि डीएम के ऑर्डर्स हैं, और बल्कि आज से छुट्टियां ही स्टार्ट हो गई है। उसके बाद फिर मैं छुट्टी लूंगी, वैसे तो स्कूल है लेकिन मैं छुट्टी ले लूंगी, तो फिर उसके बाद तो ब्रेक ही है। तो विंटर वैकेशन स्टार्ट ही हो गई, विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गई है कशिश की, और यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है, बहुत अच्छी खासी 7 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का। तो फिलहाल सुबह सुबह मेरा मिशन चालू है, मैं अभी बर्तन मैंने बर्तन तो रात में ही क्लीन करके सोई थी मैं, तो बस अभी मॉर्निंग में झाड़ू लगाना है, मॉपिंग करनी है, तो ये झाड़ू और मॉपिंग का ही काम है जो मॉर्निंग में भी करूंगी, डस्टिंग थोड़ी बहुत। और आज मैं लंच में सर्दियों का कुछ स्पेशल एक चीज़ बनाने वाली हूँ, वो तो मैं बाद में बताऊँगी जब लंच बनाऊँगी। फिलहाल जो मैंने जो लड्डू बनाए थे ना बहुत टेस्टी, तो फिलहाल जो मैंने लड्डू बनाए थे ये मैंने इन लोगों को एक एक दे दिया था ब्रेकफास्ट के टाइम पर, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, मुझे इन्हीं लोगों ने बताया, क्योंकि इन दोनों ने ऑलरेडी लड्डू खा लिए हैं और मैंने भी अपने हिस्से का लड्डू खा लिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत मतलब एक लड्डू खा के सच में भूख नहीं लगेगी आपको, काफ़ी फीलिंग हो जाती है इस लड्डू को खाने के बाद। और तो पता है मैंने एक बॉक्स में पापा के लिए भी लड्डू रख लिए हैं, क्योंकि आज शाम को मैं पापा से फिर से मिलने जाऊँगी, दीदी अभी तक अहमदाबाद से वापस नहीं आई है और उसको अभी एक दो दिन और लगने वाले हैं, तो मैं आज शाम को पापा से जब मिलने जाऊंगी तो उनको खाना भी लेकर जाऊंगी उनके लिए, और साथ में ये लड्डू भी ले जाऊंगी उनको, क्योंकि उनको अगर मैंने ये लड्डू खिलाए ना तो बस ये कहने वाले क्या बात है टिंकू तूने लड्डू बनाए आटे के, उन्हें उम्मीद नहीं है कि मैं ये सब काम कर सकती हूँ। कभी ना स्वीट टूथ है, तो जैसे ही वो लड्डू देखेंगे मुझे पता है उनके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, एक होता है ना खुशी वो उनको मिलेगी जो कि मैं देखना चाहती हूँ, तो मैं शाम को उनको सरप्राइज में ये लड्डू भी देने वाली हूँ। बाय द वे इतनी ठंडी हो रही है आज कि मैंने आप मुझे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उन्हें कितनी लेयरिंग कर रखी है। मैंने जैकेट पहन रखी है और इसके नीचे एक गरम वाला ही लिटरली, इसमें खुद गरम है इतना, और इसके नीचे भी कशिश ये जो पहन रखी है ये भी मतलब गरम वाली लेगिंग है, और उसके नीचे मैंने सॉक्स पहन रखे हैं लंबे वाले, दिखाना सॉक्स। हाँ ये वाले सॉक्स में सरोजिनी नगर से लाई थी कशिश, ये बहुत अच्छे सॉक्स हैं, बहुत गर्म हैं, दिख नहीं रहे लेकिन तेरे कब उसके साथ ना मैच हो गए हैं, अब दिख रहे हैं ये सॉक्स, और इसके नीचे मैंने अपने ही सरोजिनी नगर वाले सॉक्स पहन रखे हैं, सोच सकते हैं इतनी डरडोरी है। तो अभी मैंने ले लिया झाड़ू हाथ में और लगा रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। कशिश मुझे बोल रही थी कि मम्मी मैं भी झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन मैंने उसको बोला बेटा तू रहने दे अभी झाड़ू मत लगा, पोछा लगा लेना, क्योंकि बहुत दिन बाद तो मुझे झाड़ू लगाने का मौका मिला है, कोने कोने से मैं सारी मिट्टी या धूल जो भी होगी निकाल लूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि आंटी तो वैसे डेली लगाती हैं झाड़ू, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होता है ना जब अपने हाथ से लगाते हो तो वो तभी मिलता है। तो आज आंटी छुट्टी पर हैं और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मुझे तो झाड़ू लगानी है तो क्यों ना मैं ढंग से ही झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं हर एक चीज़ हटा हटा के आज पूरे घर में झाड़ू लगाने वाली हूँ, सोफे के नीचे, बेड के नीचे, और जो भी टेबल्स वगैरह होती हैं उनके नीचे, दाएँ बाएँ चेयर वगैरह सब हटा हटा के मैं लगाऊंगी।
जिससे कि धूल और बाल जो फंस जाते हैं जगह जगह कॉर्नर में वो सब निकल जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन भी शेयर करने वाली हूँ लगभग, क्योंकि आज मैं पूरे दिन का व्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ पर कुछ कपड़े कशिश के बेड पे पड़े हुए थे, मैंने उसको पकड़ा दिया कि तुम इन्हें वार्डरोब में लगाओ। और क्या कहते हैं, जो कपड़े वगैरह या कुछ सामान इधर उधर पड़ा रहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब तक घर ऑर्गेनाइज ना हो मेरा किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता है, मेरी कुछ इस टाइप की नेचर है। तो कशिश भी इस बात को अब समझने लगी है, तो काफ़ी हद तक वो अपने रूम को कहते हैं क्लीन रखने की कोशिश करती है। हालांकि बच्चे इतना नहीं रख पाते, फिर भी वो कोशिश रखती है। तो यहाँ पर मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ और यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और बेड के नीचे ज़्यादातर कॉर्नर जो होते हैं ना, वहाँ पर बहुत कूड़ा इकट्ठा होता है। तो मेरा बस आज यही मकसद है कि मैं हर कोने कोने से कूड़े को निकाल लूँ, जिससे कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ आज जो झाड़ू लगी है परफेक्ट लगी है। होता है ना, हम लेडीज़ को एक प्रॉब्लम होती है कि हमें अपना किया हुआ काम बहुत पसंद आता है। तो अभी कशिश लगाने वाली पूरे घर में पहुंचा, और ये वाला मुझे सही लगता है बकेट, क्योंकि इस बकेट में एक तरफ पानी डाल लो और दूसरी तरफ कहते हैं पोछा आपका निचोड़ भी जाता है, आपको पानी वगैरह में हाथ भी नहीं देना होता, और बड़े ही आराम से बहुत ही इजी तरीके से घर में पोछा आप इसकी हेल्प से लगा सकते हो। और कशिश को तो फन लगता है इससे पोछा लगाना, और वो तो मौका ढूंढती है कब मम्मी मुझे बोले पोछा लगाने के लिए, वो काफ़ी इंजॉय करती है इससे पोछा लगाना। और कशिश मेरे काफ़ी सारे कामों में हेल्प करती है, और जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उसे बोल देती हूँ कशिश तुम ये कर लो वो कर लो। ये इसलिए नहीं बोलती हूँ कि कशिश एक लड़की है तो लड़कियों को काम आना चाहिए या हमें लड़कियों को काम सिखाना चाहिए, मेरा ये मानना नहीं है। लड़का हो या लड़की, काम सभी को आना चाहिए, क्योंकि आज का जो माहौल है उसके हिसाब से दोनों को ही काम आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही वर्किंग होते हैं, दोनों ही अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो जब जिसको मौका मिले वो काम कर सकता है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि घर का काम केवल लड़कियों के लिए ही बनाए, तो एक बात बताओ यार, जब आज की डेट में किसी एक की सैलरी से घर नहीं चलता, जब दोनों कमाते हैं तब जाकर घर चलता है, तो घर के काम केवल लड़कियां ही क्यों सीखें, लड़कों को भी आना चाहिए, जिससे कि दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें और दोनों एक दूसरे की कामों में हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर तो कशिश पोछा लगा रही है, और उधर आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में मैं अभी लंच प्रिपेयर करने वाली हूँ। लंच जो मैं बनाने वाली हूँ उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने कर ली है। यहाँ पर मैंने प्याज चॉप करके रख लिए, यहाँ पर दो प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं और तीन ग्रीन चिली चॉप कर लिए हैं, बहुत सारा लहसुन लिया है कम से कम 10 से 12 और इतनी कलियां तो होंगी। इसके साथ मैंने चावल निकाल लिए और उड़द की दाल। ये उड़द की दाल की आज मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, और ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। इस खिचड़ी को आप गरम गरम खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी, और बहुत खिली खिली बनाइए तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी के साथ मैंने बहुत सारा अदरक भी ले लिया है। इसमें लहसुन और अदरक का जब आप तड़का लगाते हो ना, तो इसकी जो खिचड़ी की जो खुशबू है और खिचड़ी का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ ही मिनटों में बन जाती है, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। आप इसे दही के साथ, अचार के साथ, पापड़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। उसमें ऊपर से देसी घी भी डालिए। और तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया देसी घी में, और फिर मैंने हींग डाल दिया है, उसके साथ मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें लहसुन और अदरक भी ऐड कर दूँगी जो कि मैंने ग्रेट करके ऑलरेडी रखी हुई है। और इसके बाद मैंने जो स्लाइस करके प्याज रखी हुई है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को बारीक मत चॉप करिए इसके साथ, स्लाइस वाली जो प्याज होती है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप क्या पसंद करते हो। तो आपको क्या पसंद है विंटर सीजन में, कोई ऐसी स्पेशल डिश बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में जो आपको बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनमें से एक ये भी है। तो इस टाइम लहसुन और अदरक का बहुत ही अच्छी जो खुशबू होती है ना, वो आ रही है इस टाइम, और वही खुशबू जो है आपकी खिचड़ी में भी आएगी जब आप इसे खाएंगे। तो
अभी इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है और नमक। ये तीन ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं मसालों में जो हमें इस खिचड़ी में डालने हैं। ज़्यादा मसाले हमें इसे नहीं डालने हैं, ये बहुत ही कम मसालों में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सारे मसाले डाले जाएँ तभी चीज़ अच्छी बने, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। बस पानी का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना ऐड करें वरना चिपचिपी सी बनेगी और हमें खिली खिली खिचड़ी चाहिए। खिली खिली खिचड़ी ही अच्छी लगती है खाने में। तो मेरी खिचड़ी तो रेडी हो गई है और ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो गरम गरम खाएंगे। मैं नहाने के बाद जैकेट नहीं पहनी क्योंकि नहाने के बाद जो है ठंड नहीं लग रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। नहाने से पहले लग रहा था कि मैं कैसे नहाऊंगी, ठंड लग जाएगी, बाद में नहीं लगा कि शाम को पापा के लिए खाना लेकर जाऊंगी ना, तो आज पापा के लिए मैं पता है क्या बनाने वाली हूँ, मटर पनीर ये और उसके साथ पूरियाँ। मेरे दिमाग में दो बातें चल रही, कशिश के लिए मुझे गरम गरम पूरियाँ खानी है और मैं यहाँ से बनाकर ले जाती हूँ तो ठंडी की वजह से वैसे ही 5 मिनट से ज्यादा खाना गर्म नहीं रहता है, फूली फूली सी होती है और वो क्रंची होती है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करती हूँ कि पूरी का आटा लगा के ले जाती हूँ और सब्जी बना के ले जाती हूँ और वहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ इन लोगों को खिला दूंगी और पापा को भी गर्म गर्म पूरी बहुत पसंद आने वाली है, तो उनके लिए मैं सोच रही हूँ यही कर लूँ फिर कशिश, आटा लगा के ले चलती हूँ। तो आज तो समय का पता ही नहीं चला और शाम भी हो चुकी है, अभी आप देख सकते हो, तो मैंने सोचा कि शाम हो चुकी है तो क्यों ना खाना भी रेडी कर लूं जल्दी जल्दी, और आजकल ठंड ज़्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से रात में कोहरा बढ़ जाता है, तो जितना लेट करूंगी पापा के घर जाने में उतना ही फिर लेट लौटूंगी भी, तो मैंने ऐसे ही 5:30 के करीब ही कहते हैं डिनर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, और इस बीच में थोड़ा सा काम भी मेरे को आ गया था तो वो भी उस चीज़ में मैं बिज़ी हो गई थी, और लंच करने के बाद डायरेक्ट आपको डिनर के टाइम पर मिल रही हूँ जब डिनर बना रही हूँ। तो आज आप लोगों से कैमरे के सामने भी ज़्यादा बात नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा बिज़ी डे गया है आज मेरा। तो यहाँ पर मैंने पनीर फ्राई कर लिया है मटर पनीर के लिए, और मटर जो थी मैंने ऑलरेडी बॉईल कर ली थी, बहुत सारी प्रिपरेशन अभी मैंने कर ली है मटर पनीर बनाने की। तो अगर आपको मेरे मटर पनीर की रेसिपी चाहिए तो अगेन आप इंडियन मॉम स्टूडियो मटर पनीर रेसिपी डालिएगा, आपको मिल जाएगा, मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी हुई है मेरे चैनल पर। आपको बिना प्याज वाली यानी कि व्रत में जो आप मटर पनीर बनाकर खा सकते हैं वो वाली रेसिपी, और प्याज वाली जो हम रेगुलर डेज में खाते हैं वो वाली, दोनों रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो बहुत जगह तो विंटर वेकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर भी हो गई है विंटर वेकेशन स्टार्ट, और इस बार हमारा क्रिसमस ट्री लगाना रह गया है। इस बार हम काफ़ी लेट चल रहे हैं, हर बार तो हम 1 वीक पहले ही लगा लेते थे लेकिन इस बार लग रहा है कि क्रिसमस से 3-4 दिन पहले ही लगा लें तो भी बहुत होगा। तो वैसे तो क्रिसमस हम लोगों का फेस्टिवल नहीं है लेकिन फिर भी ना जब आप क्रिसमस ट्री लगाते हो तो घर में जो वाइब्स आती हैं ना वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। अगर आपने कभी क्रिसमस ट्री अपने घर में नहीं डेकोरेट किया है तो एक बार करके देखिएगा, आपके बच्चे हैं तो वो वैसे भी पीछे पड़े रहते होंगे, मम्मा क्रिसमस ट्री लगाना है, मम्मा क्रिसमस ट्री लगाना है, तो उनकी बात मान के एक बार लगा लीजिएगा क्योंकि आपको भी बहुत अच्छी फीलिंग्स आने वाली हैं, खुद में ना एक खुशी महसूस करोगे आप जो कि मैंने खुद लगाने के बाद महसूस करना स्टार्ट किया। मैंने इंडिया में तो नहीं लगाना स्टार्ट किया था, जब मैं US गई थी वहाँ पर हर कोई अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाता था, तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड थी जो इंडिया शिफ्ट हो रही थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिया था अपना क्रिसमस ट्री, तो वो मैंने अपने घर में लगाना स्टार्ट किया था, और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब भी मैं हर साल क्रिसमस ट्री डेकोरेट करती थी कशिश के साथ, और कशिश अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर भी कभी कभी डेकोरेट करती थी। तो जब हम लोग US से इंडिया शिफ्ट हो रहे थे तो वो वाला क्रिसमस ट्री हम लोगों ने अपने फ्रेंड को दे दिया था, तो अब वो उनके पास है, वो हर साल उसे डेकोरेट करते हैं, तो इस तरीके से वो क्रिसमस ट्री एक दूसरे के हाथों से होता हुआ पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, और अच्छा लगता है यार। खैर वो तो एक मेमोरी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। एनीवेज क्रिसमस ट्री लगाने से मुझे तो बहुत खुशी मिलती है और कशिश तो बहुत ही खुश हो जाती है।
बढ़िया वाला मटर पनीर बनकर तैयार हो गया है। और बस अब मैं इसे डालूंगी कैसरोल में, और पूरी का आटा भी मैंने लगा के रख लिया है इधर, पूरी का आटा लगा लिया है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बहुत ज्यादा ठंडी है बाहर, बहुत ज्यादा यार। अगर आप लोग बाहर निकल रहे हो ना तो अपना ध्यान रखो, मोटे मोटे कपड़े पहन के निकलो। मैंने भी काफी मोटा सा स्वेटर पहन लिया है और ये काफी फ्लफी सा है और मतलब ठीक है, इसमें मुझे ठंड तो नहीं लग रही है इनफैक्ट, और नीचे जीन्स डाल ली है। तो अभी मैं निकल रही हूँ पापा के घर पर और बस पहुँच जाएंगे 20-25 मिनट में। ठंडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जो गाड़ी का जो सामने वाला जो शीशा, उस पर फॉग इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला हो जाता है शीशा, तो ड्राइव करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन कोई नहीं। अभी हीटर ऑन किया है गाड़ी का तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना। अभी मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बनाने वाली हूँ। तेल मैंने पीछे कढ़ाई में रख ही दिया है, आटा वो लगा हुआ है ही ऑलरेडी, तो फटाफट से गर्मा गर्म पूरियाँ बनाते हैं। देखो तो वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बहुत सही चल रही है, मैं बिल्कुल आस पास आके वही कपड़े पहन रही हूँ। इस वीक बढ़ाई है नहीं, वो शेप करनी पड़ती है बेटा, शेप से आप डिजाइन दे सकते हो कि आपको क्या डिजाइन चाहिए। मुझे नहीं है, मुझे नहीं पता। तुमने तो डिजाइन दिया हुआ है ना, मैंने कुछ नहीं दिया। ये तेरा अपने आप का नेचुरल डिजाइन है। हां नेचुरल है। अच्छा, अभी तो मैं साइड साइड में भी नहीं आ रही। अच्छा, बियर्ड दिवाली की तब तब तो बढ़िया है, साइड साइड में कोई जरूरत नहीं है। हैप्पी डे। तो मैं फिर वाली मुझे लगा लूंगी वाली नहीं नहीं मुझे वाली नहीं लगा के दिखाना है सबको, लोगों को नकली मूंछें लगा ले। नकली मूंछें लगा के दिखाओ। ये लो, ये आ रहा है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। तो रात के डिनर के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आज का दिन थोड़ा बिजी रहा था तो डेली व्लॉग शेयर करती हूँ। किसी दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता है, किसी दिन मूड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, किसी दिन बहुत एनर्जी होती है, किसी दिन लो एनर्जी होती है, तो हर तरीके का व्लॉग आपको मिलता रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।